बक्सर सिमर प्रखंड क्षेत्र के नियाजीपुर स्थित जनाथ महर्षि खेल मैदान में हर साल की भांति इस साल भी 3 दिवसीय महावीर पूजा उत्सव का शुभारंभ हो चुका है, जहां देश विदेश के नामी पहलवानों का बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। 15 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के साथ साथ नेपाल के चर्चित पहलवान अपनी कुश्ती का प्रदर्शन करेंगे। इसका उद्घाटन मंगलवार को अध्यक्ष एकराम जी पाठक, सचिव रविशंकर पाठक, मुख्य अतिथि मार्कंडे जी पाठक, उप मुखिया प्रतिनिधि पिंटू पाठक, चंद्रकांत पाठक आदि ने फीता काटकर किया। बता दें कि दूसरे दिन यानी 16 अक्टूबर को अंतर्राज्यीय घोड़ा दौड़ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर को होने वाले विराट दंगल जो आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जहां बिहार केसरी और उत्तर प्रदेश केसरी, हरियाणा केसरी जैसे प्रतिष्ठित पहलवान शामिल होंगे। वहीं नेपाल के देवा थप्पा और हरियाणा के बाबा लाड़ी भी दंगल में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम 1978 से निरंतर हो रहा है और इस बार भी इसकी भव्यता को कोई कमी नहीं होगी। हालांकि आज हुए दौड़ प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की विदुषी पांडे उम्रमज 8 साल जो 5000 मीटर की दौड़ में शामिल होकर के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पीछा करते हुए शील्ड पर कब्जा की और मौजूद सभी लोगों के दिलों पर राज करते हुए अपने पिता का नाम रोशन किया। बता दें कि यह महिला खिलाड़ियों के बीच विदुषी ने अपना परचम लहराया है। आठ राउंड बाकी, पहला चक्कर पूरा हुआ, पहला चक्कर पूरा हुआ, दूसरे चक्कर में प्रवेश। राउंड को मेडल पहना करके सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को भी मेडल पहना करके सम्मानित किया जा रहा है श्री मार्कंडे पाठक जी के द्वारा। ताली बजा करके स्वागत कीजिए, प्रदर्शन करके सम्मानित किया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दे करके किया जा रहा है। प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया जा रहा है, आप लोग भरपूर ताली बजा। और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अंगद भारती जी का स्वागत भी हो रहा है। बड़ी रेस है।
जाओ धीरे धीरे, अभी टाइम है, धीरे धीरे। घोड़ा लगा है अभी, देखिए दोनों के हैं, तीन गो टक्कर में बड़ा सा कटिंग करेगा, हटो हटो हटो, भाग पूछिए लास्ट में भाग, चला देखो। इस सिर पर देखता है।